अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है गोनेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो रिकॉर्ड करूं, ताकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस बारे में। सो आते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, गोनेड जो है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड ओवरीज, जो कि फीमेल में होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीमेल गोनेड, और मेल में टेस्टिस होते हैं, इसे कहते हैं मेल गोनेड। सो ओवरीज दो तरह के होते हैं, एक राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, दैट इज़ अटैच विद द लेगमेंट टू द यूट्रस। ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ ओवरी। अब ओवरी दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और सेकेंड प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक, मीन बच्चे के पैदाइश जब हो जाती है फीमेल बेबी का, सो ये प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और बलोगत तक, ठीक है। सो एस्ट्रोजन का काम क्या है, इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। पहला काम ये है कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करता है, मीन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसकी डेवलपमेंट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकंड काम क्या है, नोरिशमेंट ऑफ यूटरस एंड इंक्रीज इट्स साइज, यूटरस की नोरिशमेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ यूट्रस की फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सो लेट्स सपोज दिस इज़ अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। यहाँ पे एक ओवरी इस साइड पे होती है, एक ओवरी इस साइड पे होता है, ठीक है। सो ये जो यूट्रस की वॉल है जो कि तीन तरह की लेयर से बना है, पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सो ये इन लेयर की, इन वॉल की विस्कुलराइजेशन भी करता है और यूट्रस की नोरिशमेंट करता है, ठीक है। और दूसरा कि ये जो यूट्रस का जो साइज़ है इसको इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि इसके साइज़ को इंक्रीज करना। सेकेंड क्या काम ये है कि प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर से मुराद ये है कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ऐसा ऐसा ग्रो करते हैं। सो दिस इज़ द वन साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिसमें फीमेल में ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होती है, वो अपने साइज से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ फैट्स अंडर स्किन, स्किन के नीचे फैट्स जो है ना वो डिपॉजिट होता है। इसका सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूँ कि फीमेल को अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, मेल को भी दी है, ऐसी बात नहीं है। अब फीमेल कुदरती तौर पर खूबसूरत इस वजह से भी होते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो गोल होते हैं, और उसमें उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो फेट का एक लेयर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चेहरा उनका गोल होता है। मर्दों में फेट्स नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। सो ये भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आता है। थर्ड है वाइडनिंग ऑफ हिप, जो फीमेल में हिप होता है वो अपने साइज से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने बेबी डिलीवर करना है, ठीक है, उन्होंने बच्चे की पैदाइश करनी है, सो इस वजह से वो जो हिप होती है वो वाइड हो जाती हैं। सो ये कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर से, सो इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन ये है कि मेंटेन प्रेगनेंसी, अगर
ओवम या एग की मीटिंग होती है इस ओविडक्ट में, ठीक है, इसको ओविडक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ से स्पर्म आए और यहाँ पे जो ओवम होता है, एग होता है, अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, और वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है टू द यूट्रस वॉल। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। इस प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है टिल 9 मंथ्स। 9 महीने तक ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। 9 महीने के बाद इसका लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है। जब कम होने के बाद बेबी डिलीवर होके दुनिया में आ जाता है। अगर 9 महीने से पहले अगर इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है 9 महीने से पहले, सो प्रेगनेंसी फेल हो सकता है। सेकेंड काम क्या है? वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस के जो वॉल होते हैं, ठीक है, मैं वॉल लिख लेता हूँ, ये जो यूट्रस की वॉल है इसमें ब्लड वेसल्स ये लगाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस यूट्रस की वॉल्स में ब्लड वेसल्स लगाता है फॉर द अपकमिंग बेबी, क्योंकि उन्होंने इंतजाम करने हैं, इन वॉल को सजाना है और नोरिशमेंट करनी होती है उस बेबी के लिए। सो ये दो काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल गोनेट। अब आते हैं मेल गोनेट की तरफ, जिसमें टेस्टीज होते हैं, और टेस्टीज जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये एक पाउच में दो गोल गेंद की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये एक थैले के अंदर जिसे पाउच भी कहते हैं या स्क्रूटम में मौजूद होते हैं, इसे कहते हैं टेस्टीज। दो होते हैं तादाद में, और ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। ये भी एक इसका फंक्शन आता है, और इसके दो मेन फंक्शंस हैं, मैचुरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसकी डेवलपमेंट करता है। यानी बलोगत तक जब एक मर्द जो छोटा बच्चा होता है वो जब बलोगत तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैचुरेशन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड काम क्या है कि डिटरमाइन मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर थे वो एस्ट्रोजन हार्मोन डिटरमाइन करता था, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को डिटरमाइन करता है। मीन मेल के अंदर भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जब एक बच्चा बलोगत तक पहुंच जाता है। मसलन आवाज़ का जो पिच है वो भारी हो जाता है, ठीक है, मोस्टिटिस मेन मुंचों का आना चेहरे के ऊपर और दाढ़ी का आना, ये भी एक किस्म की निशानी है। सो ये था आज के लेक्चर में मैंने गोनेट समझाया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।